बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी न्यूज़ और मैं हूँ आमिर हबीब। सुप्रीम कोर्ट ने तनख्वाहें ना अदा करने वाले मीडिया मालकान पर बर्मी का इजहार करते हुए उन्हें जाती हैसियत में पेश होकर वजात करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सहाफियों को तनख्वाहों की अदम अदायगी के हवाले से केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान अदालती हुक्म के बावजूद तनख्वाहें अदा न करने वालों पर बर्मी का इजहार किया और कहा कि मीडिया मालकान जाती हैसियत में पेश होकर वजात करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि कैपिटल टीवी सबसे बड़ा डिफॉल्टर है, उसके मालक ने 5 करोड़ जहां से लिए उसका मुझे इल्म है, इसलिए हर सूरत मीडिया कारकुनान को तनख्वाह अदा करें। सहाफियों की नौकरियों के हवाले से रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस का कहना था कि आइंदा किसी सहाफी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कर्जे लें, भीख मांगें, गाड़ियां मकान गिरवी रखवाएं, लेकिन सहाफियों को तनख्वाहें अदा करें। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने सहाफियों को तजवीज़ दी कि सहाफियों को तनख्वाहों की अदम अदायगी पर बड़े बड़े एंकर चैनल का बाइकाट करें। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा कि मीडिया मालकान वर्कर्स के कफील बने, मालिक ना बने और सहाफियों और मीडिया वर्कर्स को 10 दिन के अंदर अंदर तनख्वाह अदा की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मीडिया मालकान तहरीरी जवाब जमा कराएं कि तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर क्यों करते हैं। पब्लिक टीवी न्यूज़ देखने का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आमिर हबीब। ताज़ा तरीन खबरें और प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और विजिट कीजिए पब्लिक टीवी मीडिया .com।